सभी जानते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होते हैं, फीस के ऊपर ज्यादा लोगों को पैसे लगते हैं, आपको फीस में कंसेशन मिला। फीस में हम लोगों को टोटल 17 लाख रुपीस का कंसेशन। व्हाट वी हैव कमिटेड एंड व्हाट यू हैव टोल्ड अस, उसमें हमको 20 लाख रुपीस बचे हैं, नियर बाय 20 लाख रुपीस वी हैव सेव्ड। हेलो एवरीवन, मैं साथ हर्षिद अग्रवाल के फादर दीपक अग्रवाल और सीमा अग्रवाल। सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपको शिखा के बारे में रेफरल कैसे मिला और आपका जर्नी शिखा पे कैसा था? मेरा बेटा है, उसने मुझसे कहा कि मासी मेरा फ्रेंड है आपके लिए, उन्होंने बताया मेरे को कि आप एक बार वो शिखा के हैं, आप एक बार मिलिए उनसे और आप एक बार जाके बात करिए। एंड आफ्टर कमिंग हम लोग जब बात किए तो हम लोग को इतना ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चला जो हम लोग को बिल्कुल नहीं मालूम था। फर्स्ट काउंसलिंग, नॉट कि आप पूरा प्रोसेस, आप तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, जब आप फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आए, फर्स्ट काउंसलिंग, उस टाइम तक हम लोग को ये पता ही नहीं था बिल्कुल कि जो एक नीट के बाद क्या प्रोसीड्योर होता है, उसके लिए हम लोग को जो इतना बड़ा मतलब अमाउंट ऑफ मनी और बच्चा का स्ट्रगल और उसमें भी चांसेस हो सकते हैं, ऑप्शंस, और फिर ये बेस्ट ऑप्शंस के लिए हम लोग को ये बताया गया था कि बच्चे के मतलब कम से कम 650 या उसके अबव एक वो टारगेट था। तो वो एक दिमाग में बहुत ज्यादा ये था कि पता नहीं कितना बच्चों को प्रेशराइज हमको करना पड़ेगा या वेदर शी विल एबल टू डू दैट और नॉट, बट यहाँ आने के बाद हम लोग के पास में बहुत ऑप्शन। आपके सबसे बढ़िया चीज ये थी, आपने हमें जो शुरू में टारगेट दिया था कि हर्षिद्धि, जैसे आपने बोला कि हर्षिद्धि मुकुट की बहन तो मेरी सिस्टर के हिसाब से मैं उसको डील कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से आपने हमें 6 कॉलेजेस का नाम दिया था कि 6 कॉलेजेस ये बेस्ट है, आप बाकी आप लोग देख लो। तो 6 कॉलेजेस में से हमने 4 डिसाइड करके आपको थ्रो अवे कर दिया था, तो उसमें आपने 4 पे वर्किंग करी, फिर लास्ट में 2 में आया, फिर 2 में भी कंफ्यूजन आई, तो फिर आपने कहा कि नहीं इसी इसी में, फिर हम लोग फिजिकली 4 कॉलेज देख के आए, बट आपका डिसीजन और हमारा डिसीजन दोनों मिला के फिर ये हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज अम्बेडकर को चुना। सबसे बड़ी चीज है बी आर अम्बेडकर की कॉस्मो क्लब, तो उसके लिए उसको हर स्टेट से बच्चे मिले, उसकी फ्रेंड्स राइट फ्रॉम कश्मीर टू साउथ टू वेस्ट टू ईस्ट, एकदम एक्सीलेंट था। मतलब इसके बाद कॉलेज में ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक स्टेट के ही बच्चे हैं, ऑल ओवर द इंडिया, करेक्ट, हर स्टेट के कुछ ना कोई है, हर स्टेट सब मिलकर के उन्होंने जो अपना ग्रुप बनाया है, तो दे आर ऑल एंजॉय। अब वो काउंसलिंग के प्रोसेस पे, जब हमने कॉलेज फाइल कर लिया, जो एडमिशन का जो प्रोसेस था, डॉक्यूमेंटेशन, कर्नाटका रिपोर्टिंग, उसमें आप लोगों को कितना स्ट्रगल हुआ? कुछ भी नहीं हुआ मेरे को, तो कुछ पता ही नहीं, एवरीथिंग वाज डन बाय योर साइड एंड दैट वाज फैंटास्टिक। मतलब द डे आई हैव ओनली गोन हर्षिद्धि को लेके जो मैं काउंसलिंग के लिए जो फिजिकली रिपोर्ट करने साइन करने के लिए जाना पड़ता है, जो जाना पड़ता है, जो टेबल मतलब अटेंडेंट है उनको हमें अपना अटेंडेंस देना है, बस वो चीज मेरे पार्ट की थी, बाकी तो मैंने कुछ नहीं। सभी जानते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की फीस होते हैं, फीस के ऊपर ज्यादा लोगों को पैसे लगते हैं, आपको फीस में कंसेशन मिला? कंसेशन फीस में हम लोगों को टोटल 17 लाख रुपीस का कंसेशन। व्हाट वी हैव कमिटेड एंड व्हाट यू हैव टोल्ड अस, उसमें हमको 20 लाख रुपीस बचे हैं, नियर बाय 20 लाख रुपीस वी हैव सेव्ड। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आफ्टर सेल सर्विस, जैसे आपने हमारा एडमिशन हो गया, आपने हमारी फीस दे दी, उसके बाद भी हमारा एक आपके साथ में कम्युनिकेशन बना, तो आफ्टर सेल सर्विस भी उतना ही सैटिस्फैक्टरी था? हम अपना पर्सनल रिलेशन को अपार्ट करें तो उसको अपार्ट करने के बाद भी आई एम सैटिस्फाइड। थैंक यू सो मच सर। तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप शिखा को क्या रेटिंग देंगे? 10 out of 10, वी आर सैटिस्फाइड, एक्सट्रीमली सैटिस्फाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल शिखा टीम।